हे गाइस कैसे हैं आप लोग। ये है रिसेंटली लॉन्च हुआ विंग्स की तरफ से विंग्स फैंटम 250 जो कि सिर्फ 899 रुपीस प्राइस में लॉन्च किया गया। एंड भाई इसमें आपको 40 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है। कैन यू इमेजिन सिर्फ 40 मिलीसेकंड लो लेटेंसी मोड, भाई गेमर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, लेटेंसी को टेस्ट करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। लास्ट 3 दिन पहले मेरे पास डिलीवर्ड हो गया था। इनिशियली मैंने एक प्रॉब्लम भी फेस किया था, मुझे लगा था कि प्रोडक्ट में कुछ इशूज है, बट आप में से एक व्यूअर्स के कमेंट से मुझे पता चला कि एक्चुअली क्या सीन था। बताऊंगा आपको सब कुछ आगे जाके। तो अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड है तो वीडियो का आप अंत तक जरूर देखते रहिए, बहुत सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। एंड मैंने सुना है कि इसका जो प्राइस है वो 1400 रुपए हो जाएगा बढ़ के, तो किस प्राइस तक आप इसको परचेस कर सकते हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि भाई सेल के टाइम पर डेफिनेटली प्राइस जो वो डाउन होता रहता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में, बट उससे पहले क्विक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और ये रहा फ्लिपकार्ट का बॉक्स। तो चलिए अभी पहले फ्लिपकार्ट के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सो बेसिकली ये है हमारा बॉक्स, फैंटम 250 गेमिंग ईयरबड्स यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर विंग्स का लोगो मिल जाता है। अगर आप पीछे के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप पॉज लगा के पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। ओके, सो फाइनली ये है हमारे पास ईयरबड्स। तो चलिए अभी इसको रखते हैं साइड में। एंड अगर बाकी बॉक्स कंटेंट को अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको अलग से एक सेक्शन मिल जाता है। एंड इसके अंदर टाइप सी का आपको एक डेटा केबल मिल जाता है। एंड साथ में आपको मिलता है 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अगर इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये है वारंटी कार्ड, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी मेंशन किया गया। तो अगर कुछ भी खराब होता है तो इसको डायरेक्टली चेंज कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन है। बट रजिस्टर्ड कर लीजिएगा जैसे आप प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं। सो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है विंग्स फैंटम 250 एंड आप डिजाइन देख सकते हैं। ओ माय गॉड भाई, बहुत ही जबरदस्त इसका लुक्स है अगर आप लुक वाइज देखेंगे। और ये जो हिस्सा है ना वो मुझे कुछ यहाँ पर याद दिला रहा है। एंड यहाँ पर ईयरबड्स रखा हुआ है, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईयरबड्स है वो कुछ इस तरह के लुक्स के साथ आता है। भाई लुक वाइज मुझे यहाँ पर काफी जबरदस्त लगा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट जल रहा है। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में। सो गाइस फाइनली ये है हमारे पास विंग्स फैंटम 250। एंड अगर आप इसको परचेस करेंगे तो आई नो कि आप लोग गेमिंग के लिए इसको परचेस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले गेमिंग टेस्ट करके देख लेते हैं कि कैसा आपको यहाँ पर लेटेंसी वगैरह मिल जाता है, उसके बाद बाकी सारा चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। एंड यहाँ पर आपको सिर्फ 40 मिली सेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिल जाता है। एंड अगर आप इसके गेमिंग मोड को ऑन करना चाहते हैं तो जो राइट ईयरबड है उसको आपको कंटिन्यूसली 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा एंड गेमिंग मोड जो यहाँ पर ऑन हो जाता है। एंड जैसे आप गेम मोड को ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पर जो लाइट है ना साइड में वो इफेक्ट में ऑन या फिर ऑफ होता रहता है। तो चलिए थोड़ा गेम खेल के देख लेते हैं कि यहां पर आपको किस तरह का लेटेंसी मिल जाता है। जैसे आप इसके गेम मोड को ऑन करते हैं तो यहाँ पर बोलता है कि इट्स गेम टाइम स्क्वाड। एंड ये जो TWS है वो स्पेशली गेमर्स को टारगेट करके बनाया गया है। एंड भाई जो लेटेंसी है ना वो बहुत ही कम आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपने इस टेस्ट के दौरान देखा भाई, बहुत ही कम मुझे यहाँ पर लेटेंसी लगा है। एंड आप क्या ही बोल सकता हूँ, ना के बराबर या फिर ना के बराबर से भी कम। मैंने इसको यूज करके बहुत बार BGMI खेल के देखा हुआ है, मुझे कोई भी लेटेंसी यहाँ पर फील ही नहीं हो रहा था। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वायर्ड एयरफोन में खेल रहे हैं या फिर आप एक TWS में खेल रहे हैं। हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा वायर्ड एयरफोन एंड TWS में, बट वो मार्जिन जो है वो आपको बहुत ही कम यहाँ पर आपको मिलता है। एंड डेफिनेटली मैं रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आप एक गेमिंग के लिए TWS परचेस करना चाहते हैं 1000 रुपये के अंदर, भाई इससे बेटर आपको और कुछ नहीं मिल सकता है। एंड डेफिनेटली भाई नो डाउट मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ गेमिंग।
के लिए। चलिए बात करते हैं विंग्स फैंटम 250 के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। एंड अगर आप इसके केस को देखेंगे तो केस का जो डिजाइन है भाई बहुत ही यूनिक मुझे यहाँ पर लगा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केस का जो ऊपर का हिस्सा है वो आपको ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ मिलता है, तो हल्का फुल्का स्क्रैचेस भी आपको देखने को मिलेगा एंड काफी सारा फिंगरप्रिंट भी आपको यहाँ पर ऊपर में देखने को मिल जाएगा। तो बीच बीच में आपको इस तरह का साफ करने का जरूरत पड़ेगा। एंड केस के दोनों साइड में आपको यहाँ पर दो लाइट मिल जाता है जब भी ईयरबड चार्ज होता है केस के अंदर, या फिर अगर आप केस को चार्जिंग में बैठाते हैं तब भी दोनों लाइट यहाँ पर जलता है। सामने में आपको यहाँ पर विंग्स का लोगो मिल जाता है एंड राइट साइड में आपको यहाँ पर यूएसबी टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। एंड केस का जो साइज है वो आपको ज्यादा बड़ा भी नहीं मिलता, ज्यादा छोटा भी नहीं मिलता है। एंड साइड में आपको राउंड एजेस मिलने के कारण अगर आप हाथ में पकड़ते हैं तो मुट्ठे के अंदर काफी इजीली आ जाता है, या फिर अगर पॉकेट में भर के कैरी वगैरह करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एंड अगर बात करूँ लीड के बारे में तो लीड को एक हाथ से अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों हाथ को यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो डिजाइन है कुछ उसी तरह का रखा गया। एंड अगर बात करूँ लीड के क्वालिटी के बारे में तो लीड का क्वालिटी आपको ठीक ठाक सा मिल जाता है। लीड का जो मैग्नेट का क्वालिटी वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है एंड थोड़ा यूनिक डिजाइन के साथ आता है तो थोड़ा संभाल के आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपके हाथ से गिर जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। एंड यहाँ पर जैसे ही आप केस के लीड को ओपन करते हैं तो आपके मोबाइल के साथ ये कनेक्ट नहीं होता है, आपको ईयरबड को केस से निकालना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम ये ले लेता है जब तक आपके मोबाइल से कनेक्ट होता है। ये चीज मैंने नोटिस किया अगर आप यहाँ पर कनेक्टिविटी टाइम को देखेंगे। बट हाँ, अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो ईयरबड का जो डिजाइन है वो भाई बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर लगा है, स्ट्रीम डिजाइन के साथ आता है। एंड अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीम में ड्यूअल टोन कलर को भी यहाँ पर यूज करके मेरे पास ये जो वेरियंट है वो है ब्लैक कलर का, बट यहाँ पर आप साइड में अगर आप देखेंगे ग्रे जैसा एक कलर का भी यहाँ पर यूज करके जो कि दिखने में काफी अच्छा लगता है, काफी प्रीमियम सा यहाँ पर आपको फील देगा। एंड साथ ही आप देख सकते हो ऊपर के साइड में आपको राउंड करके एलईडी लाइट का यूज किया गया जो कि दिखने में काफी अच्छा लगता है। एंड ये जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली ऑन नहीं रहता है, जैसे ही पेयर हो जाता है उसके बाद लाइट ऑफ हो जाता है। अगर आप गेम मोड को ऑन करते हैं तो उसके बाद ब्रीदिंग इफेक्ट में जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ होता रहता है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगा। एंड ईयरबड का जो सामने का हिस्सा वो आपको एंगल शेप में मिल जाता है एंड भाई जो ईयरबड्स है वो मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा। अगर आप लंबे समय तक कंटिन्यूअसली यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मैंने बहुत देर तक कंटिन्यूअसली यूज करके देखा हुआ है उसके हिसाब से बता सकता हूं। एंड जो ईयर टिप का क्वालिटी वो भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा मिल जाता है एंड अंदर के साइड में यहाँ पर आपको चार्जिंग का कनेक्टर मिल जाता है। एंड यहीं पर मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया था क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा फिनिशिंग से लगाया गया था, आपको ऊपर से देख के पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक का अलग से रैपिंग किया गया है। मैंने बहुत सारा TWS यूज किया है एंड वहां पर अगर प्लास्टिक का इस तरह से रैपिंग किया रहता है तो वो नॉर्मली अलग कलर का रहता है या फिर वहां पर मेंशन किया रहता है या फिर उतना फिनिशिंग अच्छा नहीं रहता, आपको देख के पता चल जाता है कि भाई आपको इसको निकालना है। बट जब मैं इसको पहला दिन यूज कर रहा था तो आप में से एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट्स करके पूछा था कि इसका क्वालिटी कैसा है, तब मैंने उसको रिप्लाई करते हुए कहा कि मेरा यूनिट में कुछ फॉल्ट है, चार्ज नहीं ले रहा है, मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या प्लास्टिक का रैपिंग आपने निकाला है या फिर नहीं, तो उसके बाद मैंने ये चीज नोटिस किया। तो थैंक यू आपको मुझे याद दिलाने के लिए, अभी आपका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बट मैं कन्वर्सेशन जो था वो यहाँ पर लगा दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं क्या बातचीत हुआ था। इस ईयरबड में आपको पूरा टच कंट्रोल का फीचर्स मिल जाता है एंड जो चीज़ सबसे मुझे ज़बरदस्त लगा है वो है यहाँ पर आपको साउंड को भी कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है। राइट ईयरबड में अगर आप टैप करेंगे तो आप साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं, लेफ्ट में अगर आप टैप करेंगे तो साउंड को आप डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप म्यूजिक को प्ले या फिर पॉज करना चाहते हैं तो किसी भी ईयरबड में इस तरह से आप डबल टैप करेंगे तो आप म्यूजिक को प्ले या फिर पॉज कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट सॉन्ग में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिपल टैप करना पड़ेगा राइट ईयरबड में, और लेफ्ट ईयरबड में आप ट्रिपल टैप करके प्रीवियस सॉन्ग में भी यहाँ पर जा सकते हैं। और गूगल वॉइस या फिर सीरी को अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो लेफ्ट ईयरबड को आपको 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो आप गूगल वॉइस या फिर सीरी को भी ऑन कर सकते हैं। एंड राइट ईयरबड में अगर आप 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो आप यहाँ पर गेम मोड को भी ऑन कर सकते हैं, और किसी भी ईयरबड में आप डबल टैप करके कॉल को रिसीव या फिर एंड कर सकते हैं। एंड अगर आप 2 सेकंड तक कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखेंगे तो आप कॉल को रिजेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं, तो सारा टच कंट्रोल का फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड इसमें आपको IPX5 का रेटिंग मिल जाता है, तो अगर आप जिम के टाइम पे या फिर रनिंग के टाइम पे इसको यूज करते हैं इसमें स्वेट लगता है तो आपको कोई भी टेंशन करने का यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर इसको यूज कर सकते हैं। सोवरल जो डिजाइन है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है, काफी यूनिक डिजाइन के साथ आता है एंड सारा टच कंट्रोल का फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो भाई प्राइस के हिसाब से मुझे इसका क्वालिटी काफी जबरदस्त लगा है एंड सिर्फ 899 के हिसाब से भाई आप कुछ भी कंप्लेन यहाँ पर नहीं कर सकते। और मैंने मेरे दूसरे नंबर पर कॉल किया है तो यहाँ पर रिसीवर है, मैं कॉल को रिकॉर्ड किया है, तो एक्चुअली माइक का क्वालिटी आपको यहाँ पर कैसा मिलता है वो आप इस केस के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। एंड एक चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर बोला तो जाता है कि दो दो करके माइक आपको यहाँ पर मिलता है, तो मैं यहाँ पर एक माइक को मुंह के सामने रखता हूँ, एक को दूर के साइड में रखता हूँ, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कौन सा माइक यहाँ पर एक्चुअली आवाज को कैच कर रहा है। एंड यहाँ पर अभी आप यहाँ पर सुन सकते हैं,
कि मैं एक को और दूसरे को दूर कर दिया। तो यहाँ पर आप समझ सकते थे कौन सा माइक यहाँ पर, जब भी आप फोन में बात करेंगे तो कौन सा माइक यहाँ पर यूज होता है एंड किस में आपको कैसा साउंड क्वालिटी मिलता है, वो आप इस टेस्ट के माध्यम से अच्छे समझ सकते हैं। एंड नॉर्मली अगर आप डीजे में वगैरह खेलने के लिए इसको परचेस करना चाहते हैं तो वहां पर भी माइक का यूज काफी होता है, तो उस कंडीशन में भी आपका आवाज कैसा उल्टा साइड जाएगा वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, क्योंकि 5.2 के सब्सक्राइबर के हम आसपास आ चुके हैं। इसी मंथ के अंदर हमें वो कंप्लीट करना है, ये टारगेट है इस मंथ का। तो भाई इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें मदद जरूर कीजिएगा। मैं इतना देर से बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको माइक का क्वालिटी अच्छे से पता चले कि कैसा मिलता है, वही समझाने के लिए। तो चलिए जब आगे बढ़ते हैं, दो चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा विंग्स की तरफ से। अगर कोई सुन रहा है, अगर आप फ्लिपकार्ट में जाके इसके ऐड को देखेंगे तो वहां पर मेंशन किया गया कि सिंगल चार्ज आप इसको 8 घंटा यूज कर सकते हैं। बट अगर आप इसके केस को देखेंगे या फिर केस के अंदर जो यूजर मैनुअल है वहां पर देखेंगे तो वहां पर मेंशन है कि आप इसको सिंगल चार्ज में 6 घंटा ही यूज कर सकते हैं। एंड जब मैंने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया तो 70% वॉल्यूम के साथ मुझे 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिला है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट मेंशन किया गया कि यहाँ पर AAC कोडेक का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, बट यहाँ पर आपको सिर्फ SBC कोडेक का ही सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट में यह भी मेंशन किया गया कि यहाँ पर 2-2 करके माइक दिया गया एक एक ईयरबड में, बट अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक माइक का तो पता चलता है यहां पर आपको एक छेद जैसा बना हुआ है, बट दूसरा माइक यहां पर आपको दिखाई नहीं देता है। तो एक्चुअली वो है या फिर नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा, आप खोल के थोड़ी ना देखेंगे। हो सकता है कि यहां पर डुअल माइक हो, ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, बट AAC कोडेक डेफिनेटली यहां पर नहीं है। एंड साथ में आपको 6 घंटे का ही बैटरी बैकअप मिलता है जो कि फ्लिपकार्ट में 8 घंटा मेंशन किया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी कंपनी को, क्योंकि जब भी कोई यूजर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वो इसके स्पेसिफिकेशन को देखने के बाद ही खरीदता है। एंड अगर प्रोडक्ट मिलने के बाद उसको पता चलता है कि भाई सारा चीज तो नहीं है, तो यूजर का जो ट्रस्ट है ना कंपनी के ऊपर से वो चला जाता है। एंड नेक्स्ट टाइम वो कोई भी आपके कंपनी का प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेगा एंड ना ही किसी दूसरे को रिकमेंड करेगा। तो अगर कोई भी कंपनी लंबे समय तक मार्केट में रहना चाहता है तो उसको ये चीज नहीं करना चाहिए, जो कि हमने यहां पर नोटिस किया है। एंड अगर बात करो केस मिला के, तो आप इसको करीब 25 घंटा तक यूज कर सकते हैं। एंड केस को फुल चार्ज होने के लिए करीब 1.5 घंटे का समय लगता है, ईयरबड को फुल चार्ज होने के लिए करीब 1 घंटे का समय यहां पर लगता है। एंड अगर बात करो कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहां पर आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है, बट कनेक्टिविटी का जो रेंज है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। अगर आप बिना ऑब्स्टेकल यूज करते हो तो आप करीब 25 फीट तक इसको यूज कर सकते हैं, बट अगर बीच में एक ऑब्स्टेकल है, अगर आप रूम में फोन को रख के बाहर जाते हैं, चाहे आपका रूम का दरवाजा खुला हुआ ही क्यों ना हो, तो भी भाई यहाँ पर कट कट के आवाज मिलना शुरू हो जाता है जैसे ही मैं 4-5 कदम दूर जा रहा था। तो कनेक्टिविटी मुझे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा ब्लूटूथ 5.2 के हिसाब से। एक और चीज, यहाँ पर जब भी मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है या फिर डिसकनेक्ट होता है या फिर आप गेम मोड को ऑन करते हैं या फिर वॉल्यूम को भी अगर आप प्लास कर देते हैं तो एक काफी लंबा चौड़ा आपको एक डायलॉग सुनाई देता है जो कि उतना अच्छा नहीं लगता। उसके जगह पर म्यूजिक के साथ अगर इसको रिप्लेस किया था तो और भी बेटर हो सकता था। तो विंग्स की तरफ से अगर कोई देख रहा है तो ये सजेशन है आपके लिए, ऐसा आप चेंज कर सकते हैं। ये मेरा राय है, बट आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस तरह का एक डायलॉग सुनना ज्यादा पसंद है या फिर आप म्यूजिक सुनना ज्यादा प्रीफर करेंगे जब भी आप गेम मोड को ऑन करते हैं या फिर वॉल्यूम प्लस माइनस जो भी आप करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर 13 mm के ग्राफिन ड्राइवर का यूज किया गया। एंड अगर बात करो लाउडनेस के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से भी सुनाई दे रहा है। सो लाउडनेस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आप आउटडोर में जाकर यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप काफ़ी इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही ईयरबड का जो डिज़ाइन है उसके वजह से बाहर का जो नॉइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो जब भी आप ईयरबड को पहनते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन का सपोर्ट मिल जाता है। एंड अगर बात करो साउंड क्वालिटी के बारे में, तो अगर 900 रुपये प्राइस के हिसाब से कंसिडर करो तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाता है अगर आप उस प्राइस को देखेंगे। एंड अगर आप 50, 60, 70, up to 80% वॉल्यूम तक सुनते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी मिल जाएगा, चाहे आप वोकल्स को देखेंगे, बेस को देखेंगे या फिर ट्रेबल के पार्ट को देखेंगे। भाई मुझे यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट नहीं है। बट अगर आप 90 या फिर 100% वॉल्यूम में सुनते हैं, ज़्यादा लाउड साउंड सुनते हैं, तो भाई साउंड क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी डिस्टॉर्ट होता हुआ मुझे दिखाई दिया, काफ़ी जंबल तरह का साउंड क्वालिटी लग रहा था। एंड सेपरेशन का बहुत ज़्यादा इशूज मिलता है अगर आप बहुत हाई साउंड में सुनते हैं। बट अगर आप 50, 60, 70% वॉल्यूम में सुनते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सुन सकते हैं। एंड नॉर्मली हम लोग 80-90% साउंड में ज़्यादा सुनते भी नहीं है, तो उसके हिसाब से साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एंड स्पेशली वोकल्स के ऊपर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया क्योंकि ये गेमिंग TWS है, ताकि आपको फुटस्टेप वगैरह या फिर आवाज़ वगैरह काफ़ी शार्प सुनाई दे। तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर मैं कोई भी कंप्लेंट नहीं करूँगा, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी मिल जाता है, हाँ अगर आप मीडियम साउंड में सुनते हैं। तो दोस्तों अगर फाइनली बात करूँ विंग्स फैंटम 250 आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, तो देखो यार कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, बट प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है। अगर आपको ये 899 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है एंड आप एक गेमर्स है तो भाई आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, आप आँख बंद करके इसके साथ जा सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त मुझे इसका गेमिंग क्वालिटी लगा है, बहुत ही कम
लेटेंसी आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही जो कॉल क्वालिटी है, जो बैटरी बैकअप है, जो बिल्ड क्वालिटी है, जो डिजाइन है, जो लुक्स है, वो भी मुझे यहाँ पर काफी जबरदस्त लगा है। तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा 900 से 1000 रुपए के अंदर आपको ये मिल जाता है, तो आप 100% जा सकते हैं। एंड अगर आप गेमिंग के लिए ही परचेस करना चाहते हो तो 1200 रुपए तक भी आप इसको देख सकते हैं। बट अगर आप साउंड क्वालिटी के लिए या फिर कॉलिंग के लिए लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जो साउंड क्वालिटी वो एक गेमिंग ईयरफोन के हिसाब से तो आपको ठीक ठाक मिल जाता है, बट अगर आप म्यूजिक लवर है स्पेशली तो उसके हिसाब से आपको उतना अच्छा साउंड क्वालिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। एंड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि सेल के टाइम पे आपको 1000 रुपए के अंदर आपको काफी सारा अच्छा अच्छा ऑप्शन मिल जाता है साउंड क्वालिटी के हिसाब से अगर आप परचेस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उसके तरफ देख सकते हैं। कुछ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसका भी बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि अभी ये किस प्राइस पर अवेलेबल है। एंड जो केस का डिजाइन है वो भाई मुझे बहुत ही यूनिक यहाँ पर लगा है, एंड डेफिनेटली ये गेमर्स को टारगेट करते हैं। एंड अगर आप एक गेमर्स है तो ही आप इसके साथ जाइए, अदरवाइज आपको इसको देखने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए इतना ही था, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा भाई। 20,000 के बहुत नज़दीक हम आ चुके हैं, एंड रिक्वेस्ट करूंगा कि इस महीने के अंदर 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। आप लोगों के हाथ में ही सारा कुछ होता है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।